आदित्य बंसल जी नैनीताल से, आपने पूछा है, प्रणाम गुरुदेव। एक कथा में हमने सुना कि व्यास पुत्र सुखदेव जी का जीवन परिचय भिन्न भिन्न पुराणों में भिन्न भिन्न लिखा हुआ है। महाभारत में लिखा है कि सुखदेव जी का शरीर पूरा हो गया था। देवी भागवत में लिखा है कि सुखदेव जी का विवाह हुआ था। श्रीमद् भागवत के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद सुखदेव ने परीक्षित को भागवत सुनाई। यह सब कैसे संभव है? आपका आदित्य बंसल। हमारे आदित्य बंसल जी, ये कोई कठिन बात मामला नहीं है। ये अलग अलग उद्धरण आपको इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ हर कल्प में ये सब होता है और हर कल्प में जो कथा होती है उसमें थोड़ा सा जो चरित्र होते हैं, जो लीलाएं होती हैं, उनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। तो किसी कल्प में ऐसा हुआ, किसी कल्प में ऐसा हुआ, किसी कल्प में ऐसा हुआ, अलग अलग कल्प। कल्प माने ब्रह्मा जी का दिन। जैसे आपका जो दिन है, प्रतिदिन आपका क्या रहता है? एक जैसा ही तो रहता है। वैसे ही उठते हैं, वैसे ही नहाते हैं, वैसे ही खाते हैं, वैसे ही रहते हैं, उसी पते पर लगभग रहते हैं, लेकिन हर दिन कुछ विशेष भी हो जाता है जो दूसरे दिन नहीं हुआ रहता है। तो जब दिनचर्या आपकी लिखी जाएगी तो हर दिन एक जैसा भी होगा और कुछ अंतर भी हो जाएगा। ऐसे ही अलग अलग कल्प में भगवान के अलग अलग चरित्र भेद हो जाते हैं। उन्हीं का उपब्रह्मण लोगों को सीख देने के लिए व्यास मुनि ने पुराणों में कर दिया, इसीलिए अलग अलग जगह पर अलग अलग दिखाई देता है। हम लोग ये मानते हैं कि सब सही है, कोई भी गलत नहीं है। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीषन गाए। कल्प भेद से भगवान के चरित्र अनेक भांति के और अनेक प्रकार के हो जाते हैं और ऋषि मुनि विद्वान लोग उसी का गायन करते हैं।